यहाँ पे बस नाम का ऑफर है फिलहाल। रेट तो खैर जो ऑफर मार्केट है उससे भी कहीं ज़्यादा इधर का रेट। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब, स्वागत है नए वीडियो में। दोस्तों आज का जो वीडियो है, हम लोग गए थे 1 जनवरी को नए साल पे, एक शॉप खुला है जहाँ पे गए थे, जहाँ पे एक सुपरमार्केट है कपड़े का, वहाँ पे कुछ ऑफर आया था तो हम लोग गए थे वहाँ पे। हालांकि वीडियो 1 तारीख का है और ये वीडियो जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा लेट हो गया है और उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि हमारा हर वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, क्योंकि मुझे समय नहीं मिलता है कि मैं एडिटिंग कर पाऊँ। आज ये जुम्मा का दिन है, फ्राइडे है, तो जो इंट्रो है आज मैं शूट कर रहा हूँ। 1 जनवरी को जो ऑफर था, हम लोगों ने कुछ सामान खरीदा था, बाद में उसका जो साइज है, हम लोग रूम पे आए तो उसको पहन के देखे तो साइज में थोड़ा ऊपर नीचे था। एक तो कपड़ा था जो छोटा पड़ा था, एक कपड़ा था बहुत ज़्यादा हैवी था, तो उस कपड़े को हम लोगों ने 7 जनवरी को जाके वापस किया है। तो वापस करके फिर से चेंज करके लेके आए हैं। तो हम लोग जो कपड़ा खरीदा था, हालाँकि कुछ ज़्यादा सामान नहीं खरीदे थे हम लोग, बस एक गए थे घूमने के माध्यम से और देखने गए थे वहाँ पे। 1 रियाल से लेके यानी 50 रियाल तक का भी सामान था, हर यानी हर कपड़े का जो अलग अलग रेट था, उसमें कोई ऑफर वाला कुछ चीज़ नहीं था, कुछ 1 रियाल का उसमें डाल दिया था, क्योंकि आपको मालूम है कोई भी शॉप जब खुलता है तो कस्टमर को लुभाने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ऑफर वो लोग जरूर देते हैं कस्टमर को, ताकि ऑफर देख के कस्टमर उसको ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे वहाँ पे। तो 1 तारीख को हम लोग जिस दिन गए थे वो भी फ्राइडे का ही दिन था, उस दिन बहुत ही ज़्यादा भीड़ था। 7 तारीख को जब हम लोग गए थे वहाँ पे कपड़ा जो एक्सचेंज करने के लिए, क्योंकि कपड़ा हमको रिटर्न करके अपने जो सही साइज था उसमें का कपड़ा लेके आना था, तो जब एक्सचेंज करने गए तो उस टाइम वो शॉप में भीड़ नहीं था, क्योंकि जिस दिन ऑफर वाला जो दिन था तो पहले दिन सब लोग बहुत चाव से गए थे कि हाँ ऑफर है करके और गए थे कपड़ा खरीदने के लिए। लेकिन फिलहाल में बहुत लोग हैं जो सेटिस्फाइड नहीं हो पाए उस जगह से, उस कपड़े से। हालांकि कपड़ा उसमें बहुत सारा है, क्वालिटी वाला भी है, अच्छे वाला भी है, लेकिन जो कुछ कपड़ा जो है रिजेक्टेड है, बाकी बहुत ही जो कपड़ा जो ना पसंद करने वाला है वो उसको ऑफर में डाल दिया है उसने कि 1 रियाल में है, ये 5 रियाल में, ये 6 रियाल में, 3 रियाल में, अलग अलग रेट का जो कपड़ा था उसमें। लेकिन हम लोग भी गए तो वहाँ पे देखे कि हालांकि 1 रियाल वाला जो ऑफर था वहाँ पे, जो हम लोग गए थे वहाँ पे पूरा कपड़ा खाली हो चुका था। फिलहाल लोगों ने अपने बच्चों के लिए, बाकी जो 1 रियाल वाला था कपड़ा ज़्यादातर बच्चों के लिए ही था, तो लोग अपने बच्चों के लिए लेके गए। बच्चे तो फिर छोटे होते हैं तो घर पर इस्तेमाल करने के लिए वो कपड़ा ठीक ही ठाक था, लोग भी कुछ लेके आए, लेकिन फिलहाल आके भी कुछ कपड़ा जमा नहीं। हालांकि रेट के हिसाब से कोई कपड़ा बुरा भी नहीं है। तो फिलहाल ज़्यादा बात करने से अच्छा है आप वीडियो ज़रा देख ही लीजिए और आपको मालूम ही पड़ जाएगा कि कैसा शॉप है, कैसा उसमें कपड़ा था और कैसा ऑफर था। तो चलिए वीडियो देखते हैं। रिहाना मार्ग के बगल में ही एक शॉप है जिसमें आज ऑफर लगा हुआ है, तो खैर भीड़ तो बहुत ज़्यादा है, हम लोग जा रहे हैं उधर ही और देखते हैं क्या घुसने को मिलता है कि नहीं मिलता। अगर घुसेंगे तो शायद कुछ देखेंगे, एक्सप्लोर कर सकते हैं उसमें अंदर का और कुछ खरीद भी सकते हैं। फिलहाल मैं दिखाता हूँ कितना भीड़ है बाहर। आप देख सकते हैं कि कितना लाइन लंबा लगा हुआ है और हम लोग का नंबर मुमकिन लगता है 100 के पार ही होगा, 100 के ऊपर ही होगा। अरे यार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, स्टिकर चिपका है ऐसा जो लाइन है थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा है और हमारे पीछे भी कुछ लंबा ही लाइन लग गया है और देखते हैं अंदर जाते जाते कितना समय और लगता है। ऑफर मार्केट में तो घुस चुके हैं अंदर और जो ऑफर वाला जो था ना ख़त्म हो चुका है, फिलहाल पूरा खाली हो गया है, पूरा नहीं तो पूरा खाली खाली दिख रहा है। हम लोग बस ढूंढ रहे हैं, देखते हैं कौन सा सस्ता वाला मिलता है। देख रहे नीलका कितना कपड़ा लिया? अरे देखो ना पहले एक, अरे पहले देखो गिनती करो कितना हो गया। सब ऑफर है, इतना ज़्यादा ऑफर मिल गया। अनिल भाई कपड़ा पसंद नहीं आया अभी तक? यहाँ पे बस नाम का ऑफर है फिलहाल। रेट तो खैर जो ऑफर मार्केट है उससे भी कहीं ज़्यादा है इधर का रेट, और जो ऑफर वाला चीज़ था वो पहले से ही उठ गया और जो बचा खचा चीज़ है तो खैर किसी को पसंद नहीं आने वाला है, तो ऑफर का जो काम था वो सब तमाम हो चुका है। हम लोग निकल चुके हैं अभी मार्केट से बाहर, अभी फिलहाल में ना करके बहुत ज़्यादा अभी सामान खरीदारी हो गया है। खैर काउंटर पे अभी वेट कर रहे हैं लोग, कर लाइन अंदर भी बहुत ज़्यादा है
और भीड़ होने की वजह से भी मुमकिन ज़्यादा समय लग सकता है, क्योंकि जितना भी कपड़ा लिए हैं हम लोग तो सबका रसीद भी कुछ बनेगा, क्या क्या रेट का क्या क्या कपड़ा है। तो रसीद बनने के बाद फिर निकलेंगे बाहर, तब हम लोग निकलेंगे रूम के लिए। तो देखते हैं कितना टाइम और लगता है इनको बाहर निकलने के लिए। चलो झगड़ा ना करो, झगड़ा ना करो, सामान ले लिया ना, चलो निकल 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 निकल। अरे दो लोग मिलकर 245 रियाल का सामान खरीदे हैं, पूरा कपड़ा है और अलग अलग रेट का है। हम लोग अभी चल रहे हैं रूम पे। खैर गाड़ी इधर पार्किंग करने के लिए जगह नहीं मिला था, तो हम लोग अभी बहुत आगे पार्किंग कर दिए हैं गाड़ी को। तो चलते हैं आगे और गाड़ी पे फिर निकलते हैं, क्योंकि अभी आज पूरा दिन भी बीत गया। अभी चल रहे हैं, थोड़ा नहाना धोना भी है रूम पे और कपड़ा भी भिगा कर रखा हूँ, वो भी धुलाई करना है। पार्किंग इतना फुल है कि हमारा गाड़ी लगा 1 किलोमीटर आगे जाके पार्क हुआ है। ऑफर की वजह से चारों तरफ गाड़ियाँ लगी हुई हैं। पहुंच गए यहाँ। लेकिन अभी एक काम और भी बाकी रह गया कि रूम का जो डब्बा है ना, पानी खाली हो गया है, तो घर पानी भी हमें भरना पड़ेगा, तो उसके लिए फिर से जाना पड़ेगा मार्केट में। दोस्तों हम लोग नए साल पे जो कुछ शॉपिंग किया था, जो ऑफ़र आया था, तो वहाँ पे हम लोग फिर वापस अभी जा रहे हैं। क्या हुआ कि मैं जो कपड़ा लिया था, जो मेरे साइज़ का एक छोटा पड़ रहा है और एक बहुत ही बड़ा पड़ रहा है, तो मैं आज फिर से 7 तारीख यानी 7 जनवरी को फिर से मैं जा रहा हूँ वापस वहाँ पर रिटर्न करने के लिए। देखते हैं रिटर्न होता है कि नहीं होता है। रिटर्न क्या करना है, एक्सचेंज करना है, समझ लीजिए। रिटर्न करके इससे थोड़ा बड़ा साइज और छोटा साइज जैसा जो ज़रूरत है उसी हिसाब से उसी रेट का लेंगे, और भी देखेंगे कुछ और अलग शॉपिंग कर सकते हैं तो वो भी करेंगे। तो फिलहाल बने रहें वीडियो पे। यह जो कपड़ा है इसका हम लोगों ने ले गया था डबल एक्सल, और हमको चाहिए लार्ज में, तो हम लोग उसको डबल एक्सल रिटर्न करेंगे और लार्ज वाला लेंगे। तो फिलहाल मैं अभी बाकी जो कपड़ा है वो भी अभी बदलना है। इधर जो कपड़ा है जितना सब 6 रियाल वाला है, और यहाँ पे नीचे जितना दिख रहा है सब 6 रियाल में ही बिकता है और ऑफर में है ये सब। लेडीज है मैं जो कपड़ा लिया था फिलहाल इसमें का लिया था, और साइज़ थोड़ा छोटा पड़ रहा था, तो मैं अभी एक्सचेंज करके अभी इसको बड़ा साइज़ डबल एक्सल लेने आया हूँ, लेकिन वो कलर नहीं मिला, तो इसलिए हम लोगों ने दूसरा कलर ले लिया इसमें। और रेड वाला भी पसंद था, लेकिन हमने जो लिया है इसमें का वो भी डबल एक्सल में। तो दोस्तों अभी टाइम हो गया, रात का 10 बज चुका है, और फाइनली मैं नहा धो के खाना रखा के रेडी हो चुका हूँ। और फिलहाल वीडियो को लंबा ना करते हुए वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल पे सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और साथ में ही अगर सऊदी अरबिया का कुछ भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। कोशिश करूँगा कि मैं कोई भी जो भी जितनी भी आपका ज़रूरत के हिसाब से जो भी जानकारी मैं प्रोवाइड करा सकूँ, और सऊदी से कुछ जानकारी लेके चाहे बाकी चीज़ जगह से मैं पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।
वंदे मातरम।